ये देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी अपने समय की सबसे लोकप्रिय एवं बुद्धिमान महिला थी। समझते जाइएगा दोस्तों, अभी तो ये दिया गया पैसेज हिंदी में है, अब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने समय की सबसे लोकप्रिय एवं बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने काफी समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, अर्थात उनके पद की गरिमा को बनाए रखा। परंतु दुर्भाग्य से कुछ धर्मांधों के द्वारा उनकी हत्या हो गई, अर्थात उनकी हत्या कर दी गई। उनके ही अंगरक्षकों ने उनके निवास स्थान पर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। उनकी मृत्यु पर सारा संसार शोक में डूब गया। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को अभी का ये पैसेज तो लग तो जरूर रहा होगा कि बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग, अगर आप में से कोई भी लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखें, तो सबसे पहले ये डर को अपने दिमाग से निकाल दो कि ये पैसेज कठिन है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, है बहुत आसान, बस आपको सीखना है, समझना है इसके रूल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में आपको ये बताया था कि हम कोई भी पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि उस पैसेज का टेंस क्या है। और पहली बात ये हो गई कि टेंस को पहचानेंगे, और पर्टिकुलर अगर किसी सेंटेंस में कोई अलग टेंस भी छिपा है तो हमें उस टेंस की भी पहचान करनी है, ये सबसे जरूरी बात होती है। और ट्रांसलेशन में कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता कि जैसे शाब्दिक बोला गया है तो हम उन्हीं शब्दों को रख दें, ऐसा जरूरी नहीं होता। बस आप ट्रांसलेशन वो करिए, आप लैंग्वेज वो यूज करिए जो समझ में आ जाए। इंग्लिश में हम कुछ अलग वर्ड लेंगे, हिंदी में कुछ अलग होते हैं, लेकिन उनका मतलब, उनका अर्थ सेम होना चाहिए। तो चलिए इस पैसेज को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है श्रीमती इंदिरा गांधी की। तो क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी अपने समय की सबसे लोकप्रिय और बुद्धिमान महिला थी। तो लोकप्रिय का मतलब होता है दोस्तों पॉपुलर, जो अपने आसपास, मतलब उनके आसपास सब लोग उनको जानते थे। तो यहाँ पे ये थी, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे किसी इंडिविजुअल किसी टेंस में नहीं है, पास्ट का ये पास्ट इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ये सिर्फ पास्ट में है। क्योंकि था थी थे से हमें ये पहचान मिल गई कि जैसे आपको एक बोला जाता था ना कि एक एग्जाम्पल बोल दिया गया कि वहां पे राम था, वहां पे ये था, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, एक राजा था एक रानी थी, तो पास्ट की तो बात हो गई। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझाते हैं, मान लीजिए मैंने कहा एक राजा था, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, सबसे पहले अभी की तो बात हो नहीं रही है, पुराने समय की बात है, जो समय बीत गया है उसकी बात है। तो एक राजा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, था, इसका मतलब पास्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, सेंटेंस बनेगा इसका देयर वाज अ किंग, बन गया। अब आप में से बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि देयर से क्यों स्टार्ट किया। तो देखिए दोस्तों, देयर एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। क्या है, इंट्रोडक्टरी, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ना दिया जाए या फिर कभी कभी ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो हम देयर का यूज करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ग्रुप में इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको देयर की एक बड़ी सी बेहतरीन क्लास लेकर के आऊंगा, आपको उसमें देयर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत ही जल्द वीडियो आएगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो फिलहाल आज हम अपने इस पैसेज की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, किसकी बात हो रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी की। तो श्रीमती के लिए क्या यूज करते हैं, मिसेज। तो क्या हो जाएगा पैसेज का टेंस हमारा, मिसेज इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की इंग्लिश इंदिरा गांधी ही होगी, मिसेज इंदिरा गांधी। अब क्या थी ये, अब सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले हम सेंटेंस में ध्यान रख देते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंग्लिश स्ट्रक्चर का लॉजिक होता है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट तो मिल गया श्रीमती इंदिरा गांधी, अब यहाँ पे वर्ब क्या होगी, तो यहाँ पे वर्ब हमारी है थी, वाज जो हम यूज करेंगे वही हमारी वर्ब होगी, क्रिया। अब ये कौन सी वर्ब होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी वर्ब, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिसेज इंदिरा गांधी वाज,
श्रीमती इंदिरा गांधी थी, क्या थी अब जरा बताइए। देखिए, अपने समय की सबसे लोकप्रिय और बुद्धिमान महिला, तो हम पहले इसको बनाएंगे सबसे लोकप्रिय और बुद्धिमान महिला की। तो देखो जब दोस्तों यहाँ पे सबसे लोकप्रिय, यहाँ पे तुलना हो रही है, जब दो लोगों के बीच में तुलना होती है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और जब दो से ज्यादा लोगों की तुलना होती है, समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई अकेला व्यक्ति कभी अपने आप की तुलना करेगा, कभी अकेला व्यक्ति अपनी तुलना नहीं करेगा, किससे करेगा, तुलना करने के लिए उसको हीन भावना से समझाने के लिए कि वो कैसा है, अच्छा है नहीं अच्छा, गंदा है या बहुत बेकार है, निठल्ला है, कैसा है, इसकी पहचान करने के लिए इसको एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत होगी जिससे इसकी तुलना की जा सकती है। तो हमेशा तुलना दो लोगों के बीच में होगी। तो अब हम ये बोलेंगे ना कि ये अच्छा है, मतलब बराबर जैसा ये वैसा ये ऐसा है या नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो या तो ये अच्छा होगा ये खराब होगा, या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि ये दूसरा वाला अच्छा हो और पहला वाला खराब। तो कहने का मतलब तुलना करने में कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे यूज होगा कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री यूज होगी? कंपेरेटिव डिग्री, यस। अब लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे बोला गया है कि मतलब उस टाइम के हिसाब से जो बहुत से लोग थे उनमें से सब। तो जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हुई, ये बात समझ में आ गई, अगर दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो, मान लीजिए यहाँ पे पूरी एक कम्युनिटी है, पूरा एक समुदाय है, 10, 50, 100, 200 लोग अगर बैठे हैं वहां पे, उनके बीच में बात हो रही है, तब वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। दो लोगों के बीच कंपेरेटिव डिग्री और दो से ज्यादा लोगों के बीच सुपरलेटिव डिग्री। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे लोकप्रिय सुपरलेटिव डिग्री, तो मिसेज इंदिरा गांधी वाज द, क्या लगा देंगे, द। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज अनिवार्य है। तो मिसेज इंदिरा गांधी वाज द। अब देखो सबसे लोकप्रिय, लोकप्रिय को तो बोलते हैं पॉपुलर, क्या बोलते हैं, पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय। लेकिन अब देखो सबसे लोकप्रिय, आप कंपेरेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि कंपेरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, कंपेरेटिव में यूज होता है, हाँ ज्यादातर ER लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ER नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा मोस्ट, मोर, मोस्ट, मोस्ट, समझे। तो यहाँ पे हो जाएगा मिसेज इंदिरा गांधी वाज द मोस्ट पॉपुलर। आप बात समझ आई, मोस्ट पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय और बुद्धिमान महिला थी। एंड, और बुद्धिमान की क्या होती है, इंटेलिजेंट बोलते हैं, ठीक है, या वाइज बोल सकते हैं, लेकिन अगर वाइजर करते तो वाइजर पहले लिखना पड़ता, ध्यान समझिए। वाज द मोस्ट पॉपुलर एंड, मैं इंटेलिजेंट वर्ड का यूज कर रहा हूं तो इसमें भी लग जाएगा मोस्ट, एक्चुअल में द मोस्ट लगेगा, द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट, आप देखिएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट कौन थी, महिला, लेडी, ठीक है। मिसेज इंदिरा गांधी वाज द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी, ये तो थी, लेकिन कब की थी, अपने समय की, अपने समय की मतलब उस समय के हिसाब से। तो क्या हो गया, ऑफ हर टाइम, हर क्यों लगा, क्योंकि यहां पर हर, इंदिरा गांधी एक लड़की है, वो एक फीमेल है, और फीमेल के लिए हर का यूज होता है, तो वो अपने समय की सबसे लोकप्रिय और बुद्धिमान महिला थी। ये बात समझ में आ गई है, ओके। आगे है, उन्होंने काफी समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, प्रधानमंत्री पद को क्या किया, सुशोभित किया, अर्थात वो काफी समय तक प्रधानमंत्री रही, समझिएगा। तो सुशोभित करना की इंग्लिश होती है एडोर्न, क्या होती है, एडोर्न। तो अब देखिए, उन्होंने किसकी बात हो रही है, समझना, प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे यूज होगा, तो उन्होंने की जगह के लिए क्या यूज करेंगे, सी। तो सी अब सुशोभित किया, सुशोभित करना को बोलते हैं एडोर्न, तो ये हो जाएगा ADORN। लेकिन देखिए, किया पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये, एडोर्नड, क्या हो गया, सी एडोर्नड, उन्होंने सुशोभित किया, क्या, किसको सुशोभित किया, प्रधानमंत्री पद को, रिवर्स चलते हैं हम, वर्ब जब हमको मिल गए तो उसके बाद रिवर्स की कोशिश करते हैं, रिवर्स चलने की, तो सी एडोर्न्ड किसको सुशोभित किया, प्रधानमंत्री पद को, द पोस्ट ऑफ, पद को बोलते हैं पोस्ट, पद की इंग्लिश क्या होती है, पोस्ट, द पोस्ट
ऑफ किसके पोस्ट को, किसके पद को, प्रधानमंत्री। और देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री की इंग्लिश होती है प्राइम मिनिस्टर। और बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, आपके अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं या और किसी भी स्टैंडर्ड के हैं तो एक बात ध्यान रखिए, प्राइम मिनिस्टर पंक्चुएशन जो बच्चे पढ़ते हैं, पंक्चुएशन में एक बात का ध्यान रखिए, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, तो उनके लिए हमेशा हम किस वर्ड का यूज करते हैं, कैपिटल का, याद रखिएगा। तो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम का पी कैपिटल रहेगा और मिनिस्टर का एम कैपिटल रहेगा, ठीक है। सी एडॉर्नड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। अब कब तक किया, काफी समय तक, देखिए काफी समय तक मतलब लंबे समय तक, काफी समय मतलब लंबे समय तक, काफी समय तक का मतलब क्या हो गया, लंबे समय तक। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर आप यहां पे टिल द लॉन्ग टाइम भी कर सकते थे, लेकिन आप एक लॉजिक सीखिए उसको समझिए। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। समझ में आ रही है बात, अगर आपको बात समझ आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारियां आपको मिलती रहें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परंतु दुर्भाग्य से, परंतु को बोलेंगे बट, परंतु क्या हो गया बट। अब देखिए दोस्तों दुर्भाग्य से को बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से का मतलब क्या होता है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग में ही रख दें या फिर लास्ट में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम स्टार्टिंग में रख लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो गया, कुछ धर्मांधों के द्वारा उनकी हत्या हो गई। मतलब कुछ धर्मांधों ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। जरा समझना, अब यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। धर्मांध किसको बोलते हैं, जो देखिए जो धर्म के नाम पर कुछ गलत करने को भी तैयार हो जाए, वो होता है धर्मांध। गलत करने का मतलब अपने धर्म के लिए किसी को भी मतलब कुछ परेशान कर सकता है, वो किसी तरीके की उसके ऊपर आरोप लगा सकता है, प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, तो उसको बोलते हैं धर्मांध। अब क्या आप में से बहुत से लोग ऐसे धर्मांध की इंग्लिश नहीं जानते होंगे, तो डोंट वरी मैं बताता हूं आपको। धर्मांध को इंग्लिश में बोलते हैं फैनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फैनेटिक्स। एक बार तेजी से बोलिए, फैनेटिक्स। तो देखिए, परंतु दुर्भाग्य से कुछ धर्मांधों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। समझना जरा यहाँ पे, आप देखो दोस्तों जब हत्या होगी, समझना, तो यहाँ पे हत्या एक साजिश के तहत की जाएगी ना, एक षड्यंत्र के तहत से। समझ में आ रही बात, तो जब किसी, और दूसरी बात, ये इंदिरा गांधी एक राजनीतिज्ञ थे, ये राजनीति में एक्टिव थी, तो राजनीति के तहत किसी षड्यंत्र के तहत अगर किसी की हत्या की जाती है तो वहां पे कभी भी किल्ड का यूज नहीं करते, समझे। किल्ड वर्ड, किल का मतलब मारना, बात है कि उनको मार दिया गया, तो किल का यूज कभी नहीं करेंगे यहाँ पे। एक नया वर्ड आपको देता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक नया वर्ड अभी मैं बताता हूं, समझिएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, और उनको कोई दूसरा मारेगा ना, जब कोई दूसरा काम करता है तो हम वहां पे पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, याद है, बताया था मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य से कुछ धर्मांधों के द्वारा उनकी हत्या की गई। तो आप देखो हत्या कर दी गई किसकी, इंदिरा गांधी जी की, मतलब सी। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही, तो आप लिखेंगे सी वाज, पैसिव वॉइस बना रहा हूं इसका, सी वाज। अब याद रखिएगा, हत्या करना जब किसी साजिश के तहत हत्या की जाती है तो उसको बोलते हैं एसासिनेशन, वर्ड होता है एसासिनेशन, लेकिन इसको हम जब वर्ब बनाएंगे, क्रिया बनाएंगे, तो और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हो जाएगा एसासिनेटेड। अब देखिए एसासिनेटेड क्या हो गई स्पेलिंग, ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए TED, assassinated. अब ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको मैं जरा इसको कंप्लीट करके एक बात बताता हूँ। सी वाज assassinated, उनकी हत्या कर दी गई किसके द्वारा, बाई, मतलब उनकी हत्या हो गई, कर दी गई बाई कुछ धर्मांधों के द्वारा, बाई सम फैनेटिक्स, एफ ए एन ए टी आई सी एस, सम फैनेटिक्स, ये हुई बात इसकी। अब जरा मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ दोस्तों, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि एसोसिनेशन बड़ा, इतना बड़ा वर्ड कैसे लर्न करें, जरा इसको समझिएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। एसोसिनेटेड ये वर्ड बना हुआ है एसोसिनेशन से, जरा आप यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ड बना हुआ है एसोसिनेशन से, ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन,
आप बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मुझे ये लर्न नहीं होगी, बड़ी कठिन मीनिंग है। बहुत आसान मीनिंग है, आपको एक टेक्निक बताता हूँ उसको लर्न करने की, जरा देखिएगा। आपको इसको मैं बताता हूँ आपको लर्न करने की एक चीज, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, फिर मेरे ऊपर पूरा देश। क्या? गधे के ऊपर गधा, फिर उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। जरा समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो गया। आप ये बताइए ऐस का मतलब गधा होता है या नहीं? फिर ऐस का मतलब गधा होता है, ठीक है। और आई का मतलब होता है मैं, और नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र। जरा समझिएगा, तो ऐस का मतलब गधा, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। अब जरा इन मीनिंग को रिवर्स ऑर्डर में आप जरा अरेंज करिए, ए डबल एस ए डबल एस ए डबल एस ए डबल एस, फिर आई, ये देखो आई अलग छिपा हुआ आई, ये बन गया, फिर ऊपर नेशन एन ए टी एन, बन गई मीनिंग ऐसा सी नेशन। कितनी आसान मीनिंग है। तो इसको क्या बोलेंगे? लर्न करने का तरीका है गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश, अर्थात ये वर्ड हो गया एसासिनेशन। एसासिनेशन का मतलब होता है किसी षड्यंत्र के तहत किसी की हत्या करना। अब तो याद हो गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया वर्ड, ठीक है। तो जरा इसको पढ़ते हैं, तो एसासिनेशन से बना है एसासिनेटेड। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लर्न करने की टेक्निक को बार बार आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, आपको सीखने को मिलेगा, आप तुरंत सीख गए होंगे उम्मीद करता हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया कि बट अनफॉर्चुनेटली सी वाज एसासिनेटेड बाय सम फैनेटिक्स, कुछ धर्मांधों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। चलिए आगे देखते हैं, उनके ही अंगरक्षकों ने उनके निवास स्थान पर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। देखिए इसमें उनके 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 कितनी बार आया, बड़ा कंफ्यूजन, कैसे करें समझिए। उनके ही अंगरक्षकों ने, पहले देखना हम कहां से बनाते हैं, उनके निवास स्थान पर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, पहले हम ये करते हैं उनके। अब यहां पर बताइए अंगरक्षकों को क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड। तो आप क्या बोल रहे हैं? उनके ही अंगरक्षकों ने, तो इसको बोलेंगे हर बॉडीगार्ड्स। क्या हो जाएगा? हर। अब यहां पे देखिए दोस्तों पैसिव इसको नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे जो काम हो रहा है किसी दूसरे के द्वारा वो दिया गया है। इसके पहले वाले में देखिए यहां पे था ना फैनेटिक्स, फैनेटिक्स कौन पर्सन होता है ये तो पता नहीं है ना, कुछ धर्मांध होते हैं लेकिन है कौन तो ये नहीं पता, इसलिए यहां पे मैंने इसको पैसिव बनाया। यहां पे पैसिवाइज बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बॉडीगार्ड के बारे में बात हो रही है जो कि उनके सामने ही रहे होंगे, उनको जानकारी में रहे होंगे कि ये बॉडीगार्ड है, ठीक है, इसलिए इसको पैसिवाइज नहीं बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हर बॉडीगार्ड्स, हर बॉडीगार्ड्स, उनके अंगरक्षकों ने क्या किया? पहले देखना, उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, समझिएगा। तो उनके अंगरक्षकों ने, हर बॉडीगार्ड्स क्या हो जाएगा? हर बॉडी गार्ड्स, उनके अंगरक्षकों ने क्या किया? उन पहले बनाएंगे उनके शरीर को छलनी कर दिया। शरीर को छलनी करने का मतलब क्या हो गया कि उनके शरीर में गोलियों की बौछार कर दी, समझना। अब बौछार करने को बोलते हैं शावर, तो हर बॉडी गार्ड्स शावर्ड, क्या शावर्ड किया, क्या बौछार कर दिया? शावर्ड बुलेट्स, बुलेट्स की बौछार कर दी। किसके ऊपर? ऑन हर बॉडी, किसके ऊपर? ऑन हर बॉडी, ठीक है, उनके बॉडी को, समझ गए। तो बुलेट्स ऑन हर बॉडी, उनके शरीर पे गोलियों की बौछार कर दी। अब कहां पे कर दी? उनके निवास स्थान पर। निवास स्थान उसको आप घर बोल सकते हैं, ड्वेलिंग प्लेस, आप निवास स्थान को ड्वेलिंग प्लेस भी बोल सकते हैं। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब निवास स्थान, या आप एक सबसे एक्यूरेट वर्ड यूज करिए रेजिडेंस, रेजिडेंस बहुत अच्छा वर्ड है। तो ऑन हर बॉडी, आप देखिए जब किसी घर की बात होती है, किसी घर में कोई रहता है तो वहां पे एट का यूज करते हैं, तो एट हर रेजिडेंस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहां पे हर क्यों लगा दोनों जगह पे, क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी एक गर्ल थी, एक लेडी थी, फीमेल थी, इसलिए उनके लिए हमने प्रोनाउन के लिए क्या यूज किया? हर का यूज किया। समझ में आ रही है बात आप सबको? ओके, तो क्या हो गया कि हर बॉडीगार्ड्स शावर्ड बुलेट्स ऑन हर बॉडी एट हर रेजिडेंस, उनके ही निवास स्थान पर जहां पे इंदिरा गांधी रहती थी, उन्हीं के निवास स्थान पर उनकी के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी और आप सीख रहे होंगे।
अब लास्ट है हमारा, उनकी मृत्यु पर सारा संसार शोक में डूब गया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों, इसको जरा समझ गए तो आप समझिए पूरा पैसेज आपकी मुट्ठी में। तो क्या है कि उनकी मृत्यु पर यहां पे डूब गया के लिए कई वर्ड यूज करते हैं, लेकिन देखो जब कोई दुख में डूबता है, दुख में डूबने के लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, क्या है मैं आपको बताता हूं। तो उनकी मृत्यु पर, पहले हम इसी को बना लेते हैं, उनकी मृत्यु पर का मतलब क्या हो गया, ऑन हर डेथ। ठीक है, मृत्यु के लिए डेथ का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑन हर डेथ, उनकी मृत्यु पर क्या हो गया, सारा संसार शोक में डूब गया। समझिएगा, देखो शोक में डूबना या किसी चिंता में डूबना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लंग इनटू। एक्शन में प्लंग इनटू का मतलब होता है कहीं पे छलांग लगा देना। जरा समझने की कोशिश करिएगा, मैंने वर्ड बोला प्लंग इनटू, PLUNG, प्लंग इनटू, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी पुरानी बात में जाकर के या किसी अतीत में जाकर के अतीत में छलांग लगाना। लेकिन यहां पे जरा समझिएगा, छलांग लगाने की बात किसमें हो रही, कोई व्यक्ति जंप करके छलांग नहीं लगाएगा, यहां पे छलांग लगाना है किसी की यादों में खो जाना। अब कोई व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली वो उसका असैसिनेशन हो गया है, हत्या हो गई उस बेचारे की, तो क्या होगा, सारा संसार शोक में डूबेगा कि नहीं। कहने का मतलब उसकी यादों में थोड़ी देर के लिए मौन रहेगा वो, उसके शोक को क्या करेगा, मौन होकर के सहने की कोशिश करेगा। तो यहां पे डूबने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्या होगा, एक वर्ड यूज करेंगे प्लंग इनटू, ठीक है। तो क्या, ऑन हर डेथ, सारा संसार का मतलब होता है होल ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा, होल ऑफ द वर्ल्ड या एंटायर वर्ल्ड भी आप बोल सकते हैं, ENTIRE WORLD, एंटायर वर्ल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप होल ऑफ द वर्ल्ड भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। होल ऑफ द वर्ल्ड पूरा संसार, अब यहां पे मेरे मतलब पूरे संसार के लोगों की बात की जा रही है। होल ऑफ द वर्ल्ड प्लंग्ड इनटू क्या हो जाएगा, PLUNGED, प्लंग्ड इनटू मतलब डूब गया। प्लंग इनटू किस में डूब गया, शोक में, दुख में, ठीक है। तो दुख को क्या बोलते हैं, सारो, SORROW, प्लंग इनटू सारो। और ये देखिए दोस्तों, आपका ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको समझा देता हूं क्या है हमारा पैराग्राफ। तो देखेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी अपने समय की सबसे लोकप्रिय एवं बुद्धिमान महिला थी, तो इसको क्या बोलेंगे, मिसेज इंदिरा गांधी वाज द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी ऑफ हर टाइम। उन्होंने काफी समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। सी एडोर्न्ड, एडोर्न्ड का मतलब सुशोभित किया। सी एडोर्न्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअल में आप पोस्ट के लिए द का भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सी एडोर्न्ड द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की एक विशेष पद होता है, इसलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, काफी समय तक। परंतु दुर्भाग्य से कुछ धर्मांधों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। बट अनफॉर्चुनेटली सी वाज असैसिनेटेड बाय सम फैनेटिक्स। फिर क्या है, उनके ही अंगरक्षकों ने उनके निवास स्थान पर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। हर बॉडीगार्ड्स शावर्ड बुलेट्स ऑन हर बॉडी एट हर रेजिडेंस, उन्हीं के निवास स्थान पर, या तो आप यहाँ पे एट हर ड्वेलिंग प्लेस भी बोल सकते थे। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब भी होता है रहने का निवास स्थान, ठीक है। अब यहाँ पे होम आप मत लगाइएगा, क्योंकि होम का मतलब होता है जहां पे उनका जन्म हुआ, जहां पे वो रह रही है। लेकिन रेजिडेंस का मतलब होता है जहां पे वो अपने कार्यकाल के दौरान रह रही है, जिस समय उनका कार्य का पीरियड है, जिस समय वो काम कर रही है, जॉब में है, उस समय वो जहां रहेंगी वो उसका रेजिडेंस कहलाएगा, या फिर ड्वेलिंग प्लेस जहां पे वो पर्टिकुलर किसी टाइम पे रह रही है। लेकिन होम क्या होता है, होम हमारा जन्म से निवास स्थान होता है, जहां पे हम जन्म से रहते हैं या हमारा बचपन बीता होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेजिडेंस ज्यादा एक्यूरेट है, एट हर रेजिडेंस। फिर क्या हुआ, उनकी मृत्यु पर सारा संसार शोक में डूब गया। ऑन हर डेथ द होल ऑफ द वर्ल्ड प्लंग्ड इनटू सॉरो, पूरा संसार, सारा संसार या एंटायर वर्ल्ड भी आप बोल सकते हैं, एंटायर वर्ल्ड प्लंग्ड इनटू सॉरो, शोक में डूब गया।